मौत हो गई तो उस परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं था, कोई नेता भी नेता किसी ने गुजरात की बातों में एक शब्द तक नहीं बोला। मैं बोल के पंगा ले लिया। यहाँ की सरकार देखिए, चाहे यूपी सरकार हो या बिहार की सरकार हो, हमारी सरकार सिर्फ दो चीजों में फंसी है, तीन चीजों में। एक तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, दूसरा कश्मीर, और तीसरा आरक्षण। जबकि ये तीनों गलत है। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, आरक्षण मिलना चाहिए। अगर एक ब्राह्मण कुल का आदमी के घर में दो वक्त की रोटी नहीं है तो आरक्षण उसको भी मिलना चाहिए। एक यादव के घर में अगर दो वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है तो आरक्षण उसको मिलना चाहिए। आरक्षण होता क्या है? आरक्षण के चक्कर में है हम पढ़ाई कम करते हैं कि हम 60% लिया तो हमारे नौकरिया तो लगी न जाए। एक हरजन का बेटा अगर IPS है तो क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? अगर वो IPS है, पुलिस अफसर है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हम फंसे उसमें है क्योंकि हमें वोट लेना है तो आरक्षण के नाम पे लोगों को भड़काएंगे। बाबरी मस्जिद क्यों बनना चाहिए? राम मंदिर क्यों बनना चाहिए? बनाना है तो वहां हॉस्पिटल बनाओ ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों का इलाज हो। बनाना है तो वहां कॉलेज बनाओ ताकि हिंदू मुसलमान के बच्चे एक साथ भाई की तरफ पढ़े। हेलो, तो मेरा मानना ये, तो हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, और गुजरात उस अमरजीत के बेटे को और बेटी को, दोनों को मैंने आजीवन पढ़ाने का खर्चा उठाया और उस पूरे परिवार को गोद लिया। मैंने कुछ नहीं किया, आपका चंदा दिया हुआ पैसा खेसारी के पास है, क्योंकि खेसारी एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी था और आप लोगों ने खेसारी को इतना बड़ा स्टार बना दिया। आपने 50 रुपये खेसारी के लिए खर्चा किया है और आपके 50 रुपये का चंदा खेसारी के जीवन में आज इतना बड़ा बना दिया कि शायद मैं 7 जन्म भी लूं तो आप सबका कर्जा नहीं चुका। सर राइट में तारीख आके घंटा पर बैटरी खत्म होता, एक तार बैटरी खत्म हो तो मेहरारू दूसरा लगा बैटरी लगवावे चल जाइए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने माँ को ही सीता समझो, अपने बाप को ही राम समझो, घर में पूजो ना यार, हमारे घर में ही राम और सीता मौजूद हैं। अगर हर आदमी माँ बाप को पूजने, किसको पूजने का ये बताइए जी, किसको मंदिर जाने का फुर्सत है? किसी को? अगर कल राम मंदिर बन जाएगा तो आप लाइन लगा के जाएंगे डेली पूजा करने? तो आपके घर में ही आपके माँ बाप है, उन्हीं को पूजो ना, उन्हीं को राम समझो, उन्हीं को सीता समझो। हमारी घर तो हमारे घर में ही राम मंदिर है। हम सिर्फ जात को भड़का के, और बैकूफ हम सब हैं, हम लोग हैं। हमारे छपरा एकमा में 40 घर दीपावली के दिन जल के राख हो गया, उसमें 6 लोग भी जले हैं, एक नेता नहीं गया। बिहार के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए ना, क्योंकि वो 40 घर दलितों का था, पलानी था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, वहां आपका बेटा खेसारी लाल यादव गया। और उनके घर बनने की जो भी खर्चा है मैंने बोला कि मैं दूंगा और दे के आया अपने जीवन से। खेसरिया खाली एगो फीता काट देला ना तो 10 लाख रुपया लेके चला वेला। तो अगर हम 40 परिवार खातिर 10 लाख रुपये बांट दे तो हमारा घर में का कमी हो जाए भाई? आप लोग खेसारी का सिनेमा देखकर इतना बड़ा बना है ना। एक मेरा चैनल है, आप सबको बता दो, यूट्यूब सब लोग देखते होंगे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड का 4th आदमी हूं मैं। अमेरिका के 6 सिंगर मेरे नीचे हैं, हनी सिंह मेरे 14वें नंबर पे हैं और खेसरिया 4th नंबर पे। संपत्ति के मामले में नहीं, संपत्ति हमारा लगता बाजू लिटिए चुखवाला स्थिति बा हमारे, नाम के मामले में मेरा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी कंपनी भी पूरे वर्ल्ड में आप कह सके कि मेरे भाई की कंपनी पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, हर गाना मेरा उसी पे मिलेगा आप सबको। तो मेरे कहने का मतलब कि आपका प्यारी है ना कि 24 वीक माने 24 हफ्ते में
मुझे 1 अरब 10 करोड़ लोगों ने देखा है। सलमान खान कहीं आगे पीछे नहीं है खेसारी लाल यादव के। एक मामूली बेटा है ना आपके गांव के, आपके घर का, आपके परिवार का, एक छोटा ही बेटा है ना खेसारी, कोई बड़ा इंसान तो नहीं है, लेकिन मैं आपके दिल में रहना चाहता हूं। और जब मैं वहां गया